चलो और ये सब दिखना चाहिए दिख ना, रहा है और ना, इधर भी सब ये भी कुछ दिख रहा है। गैस कम, इधर का नहीं दिखता गैस, थोड़ा सा ही दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो महिमा, कैसे हो? ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सब लोग, 4 बज चुकी हैं। हेलो, स्लो कनेक्शन आ रहा है लिखा हुआ, स्लो कनेक्शन। वो तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ उसमें अपन अच्छा कुछ नहीं कर सकते, अच्छा ओके उनको हेल्प नहीं, मतलब उनको थोड़ा सा वो रुक के जाएगा। हाँ चलिए, 4-5 हो गया है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ जी ठीक है, आई एम शीतल मनोचा, आई एम शीतल मनोचा फ्रॉम पुणे। हेलो मीता मिस्त्री जी, आई एम शीतल मनोचा फ्रॉम पुणे, होम शेफ। आज मैं बना रही हूँ, आप सबको थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया, अमूल को, दीपा जी को और अमूल की पूरी टीम को थैंक्स, जो हमें उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपनी सारी रेसिपीज सेव करने के लिए, नया नया सीखने के लिए। हम सीखते भी हैं और जो हमको आता है वो सिखाते भी है, तो उसमें अच्छा लगता है कि चलो हम लोगों को भी नई नई रेसिपीज सीखने मिली है, और करते रहने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पनीर पेटिस पर थोड़े से ट्विस्ट के साथ, जो कि ऑयली भी नहीं होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए नाउ आई एम स्टार्टिंग। सब दिख रहा है ना इस तरफ का? ये पनीर है अमूल का, अमूल का पनीर है, मैंने इसको आधा ग्रेट कर लिया है। और ये जो मुरमुरा होता है ना, उसका पाउडर है, मिक्सी में पीस लिया। और किशमिश, और ये मेयोनीज, और ये ग्रीन चटनी, काली मिर्ची का पाउडर उधर तो नीचे साइड साइड पर, सॉल्ट और काली मिर्च।
डेजिग्नेटेड पनीर है या हाफ कप लिया है मैंने। हाँ और इसमें हम 1 स्पून वो डाल देंगे मेयोनीज, जरा सा 2 चुटकी नमक, ढेर सारी किशमिश, थोड़ी सी ये छोटी सी चम्मच है, मतलब जो अपनी सबसे छोटी चम्मच होती है ये वाली चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर, और भी मसाले आपको जो डालने हैं तीखा वगैरह जैसा भी आपको करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये है पोहा, पोहा मैंने लिया था 1 कप, इसके मैं बाद में भी ज्यादा मतलब बनाना है ज्यादा इसलिए शाम को बनाऊंगी। और ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 आलू है जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार मतलब इसमें ज्यादा नमक नहीं डालना चाहिए, थोड़ा ही डालना चाहिए, नमक डाल लेते हैं। और थोड़ी सी रेड चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बस ज्यादा नहीं होनी चाहिए कोई चीज। अब इसको थोड़ा मिक्सी में चला लेती हूँ। जो मैश किया हुआ पनीर है इसमें किशमिश टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, बस इतनी चीज है। अब इसके हम लोग जो भी शेप देना है दे सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है, एक बैच मैंने अंदर बना के रखी है, मैं आपको बताती हूँ शेप जो भी देना है दे सकते हैं। अभी तो मैं राउंड से बना रही हूँ, पहले मैंने रेक्टेंगल शेप बना के रखा है। हेलो विंकी जी, पोहा पोहा से कटलेट मस्त क्रिस्पी बनते हैं। यस, पोहा और आलू से जो हम कटलेट्स बनाते हैं ना वो वैसे भी हम लोग बना सकते हैं, ओनली पोहा और कटलेट्स। पोहे को भिगो देना है थोड़ी देर और पानी निकाल देना है, पानी नहीं रहना चाहिए, 3-4 बार धो के उसको रख दीजिए आप। और फिर उसमें मतलब पोहा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और आलू कम होना चाहिए उस हिसाब से। और बाकी मसाले जो भी आपको डालने हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया और जीरा पाउडर, चाट मसाला,
बंगाली में जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको हेलो थैंक यू। आपका नाम इंग्लिश में लिख दीजिए ना, तो आपका नाम तो पता चले। मैंने अभी बॉल्स बनाए हैं, वैसे मैंने रेक्टेंगल शेप के बना के रखे, फ्रिज में रख दिए थे आधा घंटा पहले बना के। अभी इनको मैं फ्रिज में रखूंगी और फिर शाम को तलेंगे हम लोग। पनीर को मैश करके नमक, काली मिर्च और किशमिश और एक स्पून मेयोनीज डाली थी। ओके, बॉस की जरी वाला जी, थैंक यू। थैंक यू महिमा। ये देखिए मैंने रेक्टेंगल शेप के बना के रखे थे आधा घंटा पहले, बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। इनको अब फ्रिज में डाल देती हूँ। अभी ये जो आलू और पोहा है इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है और नमक डाला है और थोड़ा सा भी इसमें अमचूर डालूंगी। ये जो सेकंड नंबर की स्पून होती है मेजरिंग वाली, वो भर के डाल रही हूँ। अभी इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। गैस ऑन कर देती हूँ, सिम पर रख लेती हूँ, तब तक गर्म हो जाएगा ऑयल। नहीं, पंखा चालू, इधर से पंखा चालू है ना। अच्छे से मैश करना है। अगर आपको थोड़ा स्टिकी लगे तो तेल लगा लीजिए हाथ हाथ में, पाम में। मिक्सी जार में वो घूमता नहीं आलू के कारण। पोहा कर सकते हो थोड़ा, पर वो भी खड़ा खड़ा रहता है, इसलिए हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिए। तेल का डिब्बा, हाँ,
चटनी पीस के रखी है, इसमें क्या बोलते हैं, मूंगफली है, दही है और खूब सारा हरा धनिया है। हरी मिर्ची हमारे यहाँ खाते नहीं इसलिए डाली नहीं, मतलब सूट नहीं होती है। तो और अमचूर पाउडर है थोड़ा सा और दही है और जीरा, और ये मुरमुरे का पाउडर मैंने पीस के रखा है, ये मुरमुरे का पाउडर। ये ऐसे ये किसमें, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सॉल्टी होता ही है। अभी इसको हम ऐसे फैला लेंगे आलू पोहा को, और ये जो है पनीर का जो बना के रखा है इसको मैं डिप डिप करूंगी चटनी में अच्छे से। ये देखिए चटनी में डिप कर लिया इसको, और एक और बना लेंगे। ये पूरा कवर करना है हमको उसको। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं, अभी जितना इससे हो जाएगा उतना ठीक है, बाकी ये हम ऊपर लगा के इससे कवर कर देंगे। इसको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और ऐसे कवर कर देंगे। अगर थोड़ा सूखा सूखा लगे आपको तो थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। अभी जो शेप पनीर का था वही शेप हम इसको दे देंगे। देखिए ये जो पनीर का जो शेप था वही शेप दे दिया मैंने। तेल को गरम करके फिर सिम करना है, और एकदम गरम तेल में नहीं डालेंगे। ये ठंडे ठंडे अच्छे बढ़िया, तो चटनी भी अच्छे से इसके ऊपर चिपक जा रही है। दोनों तरफ से ऐसे अच्छे से चिपका देंगे। आप लोगों को दिख रहा है ना, अगर तेल बहुत गर्म होगा तो वो ऊपर से एकदम ब्राउन हो जाएंगे, और ठंडा हो जा होगा तो फट भी सकते, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म कर लो, फिर सिम करके जब हम ये डालेंगे तब मीडियम कर देंगे।
तो वो फटेंगे भी नहीं और जलेंगे भी नहीं। जैसे राउंड अगर बनाना रहेगा तो आप ऐसा इसको कटोरी जैसा बना लो, एक राउंड बना लेती हूँ मैं। राउंड में थोड़ा बड़ा पेड़ा लेना है और उसको अच्छे से थोड़ा बड़ा राउंड ऐसा हम लोग क्या बनाते, पूरन पोली के लिए जो बनाते हैं ना ऐसे कटोरी टाइप, वो कर लेना है। तो ये ऐसे राउंड बन जाएगा। चटनी की जगह आप सेजवान सॉस, चटनी नहीं भी लगानी है तो वैसे भी बना सकते हो, पर चटनी ग्रीन चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ग्रीन चटनी में मूंगफली भी डाली है और दही, थोड़ा सा अमचूर, नमक, जीरा और खूब सारा हरा धनिया। इसको बंद अच्छे से करना है हमको। चटनी के कारण थोड़ा ये जो ऊपर की कोटिंग है थोड़ी गीली सी भी हो जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, अच्छे से चिपक जाता है वो। और ये जो मुरमुरा है जिसको पीसा था, नायक नहीं, चंदू भाई नायक, विमल भाई, चंदू भाई, केम छो मजा मा, ये जो मुरमुरे का पाउडर पीसा था, अभी इसको मैं किसी फ्लैट प्लेट वगैरह में डाल लीजिए और मुरमुरे के पाउडर से हम इसके अच्छे से कोटिंग करेंगे। सूखा पाउडर, कुछ कुछ भी नहीं है उसमें, एकदम सूखा। चारों तरफ से बहुत बढ़िया एकदम अच्छी कोटिंग कर लीजिए। राउंड वाला होता है उसको ऐसे बस घुमा लीजिए, कोट हो जाता है।
अब डाल रही हूँ मैं। अभी थोड़ा मीडियम किया हुआ है गैस। हेलो हरिंदर कौर जी, आज मैं पनीर के पेटीज बना रही हूँ विथ अ ट्विस्ट। रेसिपी एक बार दोहरा दूंगी, ये देखिए। एक कप पोहा लिया था, उसको धो 3-4 बार धो के रख दिया था, पानी नहीं डाला था, ऐसे ही रख दिया था। और 2 आलू उबाले थे, और पनीर में मेयोनीज थोड़ी सी, एक आधा कप पनीर था, 1 चम्मच मेयोनीज डाली, जरा सा नमक और जरा सी काली मिर्च, और उसके राउंड्स बना के उसको फिर रेक्टेंगल शेप दे दिया था। मैं दिखाती हूँ ये, और किशमिश डाली थी, ये ऐसा शेप दे दिया था, और 2 आधा घंटा फ्रिज में रख दिया था। ज्यादा भी देर रहेगा तो कोई हर्ज नहीं, पर आधा घंटा तो रखना ही है। मुरमुरे का पाउडर, ये जो लाई होती है ना, मुरमुरे का पाउडर, मुरमुरे को पीस लिया था मिक्सर में, तो इसका पाउडर बन गया, इससे इसकी कोटिंग करें। तो पनीर के वो हो गए, आलू पोहे का ये हो गया। आलू पोहे में नमक और रेड चिल्ली पाउडर डाला था। तेल पहले अच्छे से गरम कर लिया था, फिर उसको स्लो कर दिया था, और डालते टाइम उसको मीडियम कर दिया है, ताकि वो जले भी नहीं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। वैसे भी अच्छे क्रिस्पी बनते हैं पोहे के कारण। पोहे और आलू के आप ऐसे सादे भी बना सकते हो, विदाउट फिलिंग भी। इसका एक तो फायदा ये है, तेल बिल्कुल नहीं पीते, और एकदम क्रंची क्रंची लगते हो, मतलब थोड़ी देर पड़े भी रहेंगे तो वो लुलुपन जो नहीं होते, क्रीम क्रंची रहते। फिलिंग आप पहले से भी करके रख सकते हो, कि कोई मेहमान आए, जब बस मुरमुरे के पाउडर से कोटिंग करो, सूखा ही मुरमुरे का पाउडर कोटिंग करो और तल लो। बाकी आप फिलिंग करके, पनीर की फिलिंग करके पहले से ही रख सकते हो, तो फटाफट बन जाते कोई मेहमान भी आए तो। रेडी,
रोमा जी, इसको आपको जैसा काटना है आप वैसा काट सकते। ऐसे भी काट लेंगे। ये लीजिए हमारे पनीर पेटिस, फटाफट रेडी हो गए। मेरे किसी कोफ्ता जैसा भी लग रहा है। ओके, नरगिसी कोफ्ता में पर आलू और वो नहीं होता है ना, पोहा क्यों होता है मुझे नहीं पता भाई। हाँ हेलो पूर्वी बेटा, कैसे हो? लीजिए अब आप ये ट्राई करिएगा, और रेसिपी किसी भी बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आप पूरी तैयारी करके रख लीजिए पहले, बस मुरमुरे का पाउडर आखिरी में लगाकर और उसको मेहमान आते तब फटाफट तल लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमूल। अमूल के तो सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं, पूछो ही मत, बहुत सारा मिल जाता है बनाने के लिए। रेसिपी रिपीट करूँ? देख लीजिए, पनीर लिया, पनीर को ग्रेट कर दिया, उसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला, बहुत सारी किशमिश डाली, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, और उसके पहले ऐसा राउंड बना के, रोल जैसा बना के और रेक्टेंगल शेप दे दिया। ये देखिए ऐसे शेप दे दिया उसको, और जो ऊपर की टॉपिंग करी उसमें पोहा भिगो दिया। पोहा ज्यादा होना चाहिए बट पोटैटो कम, पोटैटो को बॉईल कर लिया। पोहा और पोटैटो को खूब अच्छे से डॉग की तरह मैश कर लिया। उसमें पोहे वाले टॉपिंग में लाल मिर्च डाली थी, नमक डाला था और बस। और उसको अच्छे से मैश कर लिया, फिर उसके मतलब थोड़े चपटे चपटे रोल बनाए और ग्रीन चटनी बनाइए। ग्रीन चटनी में मैंने मूंगफली डाली और दही डाला, नमक डाला, जीरा डाला और खूब सारा हरा धनिया डाला, ग्रीन चटनी बना ली। फिर जो वो हमने बना के रखे थे पनीर के, वो चटनी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाई है, चटनी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाई है। इस फिर वो पनीर वाले जो बना के रखे थे उसको उसमें डिप करा, और जो पोटैटो और पोहे की थी टॉपिंग उसके अंदर उसको रखा, और रख के फिर उसको खूब अच्छी तरह कवर कर दिया। उसके बाद जो मुरमुरा होता है, मुरमुरा लाई जिसकी हम बेल बनाते हैं, मुरमुरे का पाउडर बना के रखा था, और फिर जो हमने फिलिंग कर ली अच्छे से बंद कर दिया, फिर उसको मुरमुरे के पाउडर की कोटिंग कर दी। मतलब कि बस ऐसे ही लगाना है अपने को, जैसे हम ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाते हैं ना उस तरह, गीला कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही लगा लेना है, तो वो क्रिस्पी रहते, क्रंची रहते, तेल वेल भी नहीं पीते। ठीक है, हेलो कवि जी, थैंक यू महिमा।
चलिए अब मैं अपना सेशन बंद करती हूँ, अगले सेशन में फिर से आपसे मिलूंगी। थैंक यू, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू रोमा, वेलकम। Okay.